हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, आज फिर एक बिल्कुल फ्रेश वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो UTL का SMU है फ्रेंड, वो 50 एम्पियर का PWM टेक्नोलॉजी पर बेस मार्केट में नया आ चुका है, जिस पर आप लगभग 1000 वाट तक के सोलर पैनल आराम से यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड, आइए इसके बारे में हम जानेंगे बहुत डिटेल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। फ्रेंड्स, इस SMU के सारे फीचर के बारे में हम जान लेते हैं। फ्रेंड, जो UTL SMU है वो 40 एम्पियर और 50 एम्पियर दोनों में आता है। बट फ्रेंड, अब हमें 40 एम्पियर वाला नहीं लेना है, क्योंकि 40 एम्पियर वाले पे हम कंपनी के अकॉर्डिंग 500 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। जबकि जो मार्केट में नया है 50 एम्पियर का UTL का SMU, उस पर हम लगभग 1000 वाट तक के सोलर पैनल आराम से लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखिए। तो फ्रेंड देखिए, और यहाँ पे फ्रेंड क्या है, ये PWM टेक्नोलॉजी पर बेस है। और यहाँ पे आप 12 वोल्ट के पैनल सिंगल बैटरी के साथ यूज़ कर सकते हो, और 24 वोल्ट के पैनल 24 वोल्ट की बैटरी के साथ, मतलब डबल बैटरी के साथ यूज़ कर सकते हो। कभी भी फ्रेंड, इस UTL के SMU में आपके 12 वोल्ट के पैनल 24 वोल्ट इन्वर्टर के साथ यूज़ नहीं होंगे, और 24 वोल्ट का पैनल सिंगल बैटरी के साथ यूज़ नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इनको आप सीरीज़ करनी पड़ेगी। और देखिए, इसके जो भी फीचर एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए, इसके सारे फीचर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जो UTL का SMU आया है 50 एम्पियर में, उस पे देखिए, इसमें 50 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, जो कि PWM टेक्नोलॉजी पर बेस है। और फ्रेंड, अब आपको बिल्कुल भी 40 एम्पियर वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर नहीं खरीदना, क्योंकि कीमत में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 200 या 300 रुपये का डिफरेंस है। फ्रेंड, उसी प्राइस में आपको 50 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिल जाएगा। और देखिए, हाई परफॉर्मेंस माइक्रो कंट्रोल लगा हुआ है इसमें, PWM टेक्नोलॉजी पर बेस है, और हमेशा सोलर को प्रेफरेंस देगा एक ग्रिड की तुलना में। और यहाँ पे देखिए, डिजिटल डिस्प्ले दी गई है, जो कि आपको एम्पियर और जो भी सेविंग है आपकी वो यूनिट दिखाएगी। और ऑटोमेटिक बैटरी सिलेक्शन होता है फ्रेंड, इसको आप सिंगल बैटरी डबल बैटरी दोनों के साथ इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए, 12 वोल्ट पैनल सिंगल बैटरी के साथ लगेंगे, 24 वोल्ट सोलर पैनल 24 वोल्ट बैटरी के साथ लगेंगे। कभी भी 12 वोल्ट के पैनल 24 डबल बैटरी के साथ नहीं लगेंगे। यदि आपको डबल बैटरी के साथ लगाना है, तो दो पैनल की सीरीज़ बनानी पड़ेगी, और 24 वोल्ट वाले पैनल एक सिंगल बैटरी के साथ नहीं लगेंगे। और फ्रेंड, एक इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हम देख लेते हैं। 12 वोल्ट 24 वोल्ट दोनों सिस्टम पे काम करेगा, ऑटोमेटिक बैटरी सेलेक्ट कर लेता है। इसमें 50 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, जो कि लगभग 750 वाट के सोलर पैनल 12 वोल्ट वाले, तथा 24 वोल्ट अगर सिस्टम पे आप यूज़ करें तो 1500 वाट तक के सोलर पैनल इस पर हम आराम से लगा सकते हैं। डबल बैटरी सिस्टम पर 1500 वाट तक के, और सिंगल बैटरी पर 750 वाट तक के मैक्सिमम सोलर करंट सपोर्ट करता है 50 एम्पियर। तो फ्रेंड, लगभग मेरे आइडिया से मैं आपको बता देता हूँ कि 100 वाट का पैनल लगभग 5 एम्पियर देता है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे 100 वाट का पैनल 5 एम्पियर करंट देता है। तो फ्रेंड, लगभग आप इस पे लगभग 1000 वाट तक के सोलर पैनल आराम से यूज़ कर सकते हो। 4 स्टेज में बैटरी चार्जिंग होगी, बल्क ऑब्जर्वेशन और फ्लोट, और इक्वलाइजिंग मंथ में एक बार होगा। और फ्रेंड, इसकी एफिशिएंसी 95% से ज़्यादा है। यदि इसमें देखिए, दो मोड आप कर सकते हो, 25 एम्पियर और 50 एम्पियर। जब आप 25 एम्पियर मोड आपने कर रखा है, तो 165 वाट के 3 पैनल आप पैरेलल में लगा सकते हो। यदि आपने डबल बैटरी सिस्टम पर यूज़ कर रहे हो, 325 वाट के 3 पैनल पैरेलल में लगा सकते हो। यदि आपने 50 एम्पियर कर रखा है, तो फ्रेंड आप 165 वाट के 5 पैनल पैरेलल में लगा सकते हो, और डबल बैटरी पर आप 425 वाट के 4 पैनल पैरेलल में लगा सकते हो। और फ्रेंड, जो 40 एम्पियर का UTL SMU था, वो 180S तक की बैटरी सपोर्ट करता था, जबकि ये 200S तक की मैक्सिमम बैटरी सपोर्ट करता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।